600 स्क्वायर फुट का जो है एक छोटा सा हाउस प्लान है, डुप्लेक्स हाउस प्लान है, 3 BHK हाउस प्लान है, विद कार पार्किंग है। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है। आपको आपके घर के लिए या आपके प्लान के लिए इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ आ सकती है, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है। इस प्लान में जो है एक्सटीरियर वॉल हमने 9 इंच के लिए है और इंटीरियर वॉल जो है 5 इंच के लिए है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डोर्स के और विंडोज़ के हमको डायमेंशन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। उसके बाद में आगे बढ़ देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमको रोड मिलता है। रोड से जैसे ही हम एंट्री करेंगे यहाँ पर मेन गेट रहेगा। गेट से एंट्री करते हैं तो हमको पार्किंग के लिए एरिया मिलता है जो 8 फीट बाय 14 फीट का है, मतलब 8 फीट बाय 14 फीट का है। काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 2 स्टेपियर की इस वरांडे से हम एंट्री करेंगे हमारे इस हॉल में, लिविंग हॉल में। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको लिविंग रूम का साइज़ जो मिल रहा है लगभग 10 फीट बाय 17 फीट 4 इंच का मिलता है, मतलब 10 फीट बाय 17 फीट 4 इंच का, जो काफ़ी अच्छा साइज़ है। और इसमें जो है स्टेयर के अंदर से बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी यूनिट बताया है, उसके बाद में यहाँ पर स्टेयर के बताया गया। देखिए सीढ़ी जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं, इसके बाद में हम टर्न करेंगे और यहाँ पर इस हाइट पर पहुँच जाएंगे। काफ़ी ऊँची हाइट होगी, लगभग 10 फीट की। और इसके बाद में यहाँ पर टर्न करेंगे और फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब ऊपर की मंजिल पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे का जो पोर्शन है पूरा का पूरा जो है हमारे लिविंग रूम में यूज़ करने को लिए यूज़ आएगा, मतलब यहाँ पर हम सोफा सेट वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ पर टीवी यूनिट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते देखिए लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमको किचन मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमको काउंटर बाथरूम मिलता है जिसका साइज़ हमको 3 फीट बाय 10 फीट का है, मतलब सॉरी 3 फीट बाय 6 फीट 10 इंच का है, मतलब 3 फीट बाय 6 फीट 10 इंच का। ठीक है, 3 फीट बाय 7 फीट का भी समझ लेते हैं। देखिए राइट साइड में यहाँ पर हमको किचन मिलता है 7 फीट बाय 10 फीट 9 इंच का है, मतलब 7 फीट बाय 10 फीट 9 इंच का। और यहाँ पर अगर हम देखें तो किचन को हमको पीछे की साइड में एक डोर नज़र आता है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर वॉश एरिया बताया गया है और यहाँ पर ये जो वॉश एरिया बताया गया है ये OTS रहेगा, यहाँ पर क्रॉस किया गया है क्योंकि यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालेंगे, लेकिन नीचे का पोर्शन पूरा का पूरा हम यूज़ करेंगे। 20 फीट बाय 30 फीट का जो है पूरा प्लॉट का साइज़ था, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फीट का जो है पैसे छोड़ा गया है। ये OTS भी है, इसे OTS भी कह सकते हैं। ये जो है वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर किचन को वेंटिलेशन मिलेगा, उसके बाद में टॉयलेट और इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगा। देखिए ये पूरा जो है किचन है, टॉयलेट है, उसके बाद में यहाँ पर जो डोर नज़र आता है ये हमारे बेडरूम का डोर है। 7 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का हमको इस बेडरूम का साइज़ मिलता है, मतलब 7 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का। और किचन को विंडो, इस बेडरूम को विंडो जो है यहाँ से मिलेगा इस वॉश एरिया से। देखिए तो आप देख सकते हैं नीचे जो है 1 BHK प्लान है, मतलब एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन है और उसके बाद में कार पार्किंग है। काफ़ी छोटा सा प्लॉट है, छोटे से प्लॉट में इस टाइप में ये पूरा, जिसमें हमने क्या है वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा है। प्लॉट में अगर हम देखेंगे तो प्लॉट का साइज 20 फीट बाय 30 फीट का है, मतलब 600 स्क्वायर फुट का है, लेकिन एक ही रोड है हमारे प्लॉट पास और बाकी तीनों साइड जो है दूसरे के प्लॉट्स है, लेकिन हमें वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है, मतलब हर रूम में हमको वेंटिलेशन मिल रहा है। आगे बढ़ते देखिए ऊपर के मंजिल पर हमने आपको बताया था स्टेयरकेस से हमारी यहाँ से स्टेयरकेस से हमारी एंट्री यहाँ पर इस पोर्शन में होने वाली है, इस गैलरी पर होने वाली है। यहाँ पर एक गैलरी रहेगी और ये जो लिविंग बिलो लिखा गया है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये नीचे का हॉल हमको नज़र आ जाएगा, मतलब यहाँ पर स्लैब नहीं रहेगा और ये जो है ये गैलरी का ये पूरा स्लैब रहेगा, मतलब यहाँ पर अगर हम खड़े रहेंगे तो हमको लिविंग रूम का एरिया नज़र आता है। और यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे ओपन टेरेस में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोर रहेगा। ओपन टेरेस मतलब यहाँ पर जो पोर्च है या तो फिर ओपन टेरेस भी हम कह सकते हैं, 8 फीट 1 इंच बाय 9 फीट 7 इंच का इसका साइज़ है, 8 फीट 1 इंच बाय 9 फीट 7 इंच का। ओपन टेरेस भी रख सकते हैं या तो फिर स्लैब डाल के इसे पैक भी बना सकते हैं या तो फिर रूम भी बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर से हमको एक बेडरूम नज़र आता है जिसका साइज़ हमको मिलता है लगभग 8 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 6 इंच का, मतलब 8.5 फीट बाय 11 फीट 11.5 फीट का। काफ़ी अच्छा साइज़ है। और इस बेडरूम को जो है पीछे साइड में एक यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक टॉयलेट बाथरूम दिया है, अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे अगर हम चाहे तो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ये जो डोर रहेगा यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर यहाँ से हमको एक क्लोज करना पड़ेगा, मतलब यहीं से इधर ही हमको टॉयलेट एडजस्ट करना है। और ये जो यहाँ पर जो पोर्शन रहेगा ये ओपन रहेगा, मतलब यहाँ पर हम विंडो डालेंगे तो यहाँ से हमको इस बेडरूम के वेंटिलेशन मिलेगा। अब ये पूरा का पूरा जो टॉयलेट लिया है गया है इसकी वजह से इस बेडरूम का वेंटिलेशन दब रहा है, इसलिए ये अगर हम देखेंगे तो इसको हम वेंटिलेशन अंदर से भी दे सकते हैं पीछे से, लेकिन फ्रंट साइड से अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ से भी इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है, इसलिए इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अटैच बाथरूम दिया गया है 8.5 फीट बाय 3 फीट 6 इंच का। और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं फिर से, यहाँ पर फिर से एक बेडरूम मिलता है 9 फीट 7 इंच बाय 9 फीट 9 इंच का हमको इस बेडरूम का साइज़ है मिलता है। यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है 6 फीट बाय 4 फीट का। और इस बेडरूम को जो है यहाँ पर विंडो बताया गया है और यहाँ पर एक वेंटिलेटर बताया गया है।
तो ये जो OTS था नीचे जैसे हमने बताया था, ये ऊपर भी कंटिन्यू किया गया है। और ये अटैचेबल बाथरूम देखिए, यहाँ पर विंडो की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि फ्रंट साइड में हमने विंडो दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में 20 फीट बाय 30 फीट का, मतलब लगभग 600 स्क्वायर फुट का जो है पूरा प्लॉट का एरिया था। एक ही रोड था फ्रंट साइड में, बाकी तीनों साइड जो है दूसरों के प्लॉट से, लेकिन फिर भी हमने पूरा का पूरा जो है प्लान विद कार पार्किंग एडजस्ट किया गया है। 3 BHK प्लान है विद कार पार्किंग है और छोटा सा प्लान है। आशा करता हूँ ये टोटल प्लान जो है आपको समझ में आया, पसंद आया। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे नए नए प्लान, नए नए डिजाइन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।